नमस्कार दोस्तों, हमेशा सबके लिए अच्छा बोलें, क्या पता आपके इन बच्चों से किसी की बिगड़ी किस्मत खुल जाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 5 दिसंबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आयुष जुड़े में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आयुष वीडियो में आकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज रविवार है, सूर्यदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार, आज की तिथि प्रतिपदा और द्वितीय, आज का नक्षत्र है ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:59 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:23 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही साथ आपको बताएं आज का अशुभ समय है शाम 4 बजे से शाम 4:42 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है हल्का हरा, गुलाबी और लाल। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का ये गुण जरूरत से ज्यादा हो जाए हावी तो वो बन जाता है काया। आचार चाणक्य की नीतियाँ और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार चाणक्य के इन्हीं विचारों में से हम आज और एक विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार धैर्य पर आधारित है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाएं तो कायरता कहलाती है। आचार चाणक्य, आचार चाणक्य के इस कथन का अर्थ है कि हर एक चीज की सीमा होती है, फिर चाहे वो धैर्य क्यों ना हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज़ में धैर्य दिखाएंगे तो वो कायरता कहलाती है। असल जिंदगी में आपका सामना कई तरह के लोगों से होगा। बहुत सारे लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे और बहुत से नहीं। ऐसे में आपको देखना होगा कि कोई आपसे ऐसी बात ना कह दे जो आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार मनुष्य का धैर्य उसकी कायरता की निशानी कहलाता है। हमेशा इस बात का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि जब बात अपने स्वाभिमान पर आए तो बिल्कुल भी धैर्य ना दिखाएं। इसके अलावा जब बात आपके प्रियजन की होती है तो कई बार आपका धैर्य दिखाना आपको गलती साबित करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके अपनों को आपकी जरूरत होती है उस समय आपका बोलना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उस वक्त आप सिर्फ इस वजह से चुप रह जाते हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगता, या फिर आपकी सहनशीलता इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसे आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप परिस्थितियों के अनुसार रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपके धैर्य को लोग गलत समझकर उसे कायरता का नाम दे देते हैं। इसी वजह से आचार चाणक ने कहा है कि धैर्य की अपनी सीमाएं, अगर ज़्यादा हो जाए तो कायरता कहलाती है। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी आपको जाने पहचाने से महसूस होंगे। कोई बेहतरीन नया विचार आपके आर्थिक तौर पर आपको फायदा दिलाएगा। घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से आज अच्छा दिन है। ख्याली परेशानियों को छोड़ें और अपने साथी के साथ साथ रोमांटिक समय बिताएं। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त बिताना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप घर में सद्भावना बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत स्नेह दिखाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं, कुछ रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में समय पर सहयोग नहीं मिलने से परेशानी हो सकती है। कुछ लोग आपके काम का विरोध भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नया और ज़्यादा करने की सोच सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में बड़े काम करने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी से मदद और समर्थन मिल सकता है।
आज आपको विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आपके जीवन में कोई बड़ी खुशहाली आने वाली है। अचल संपत्ति खरीदने का प्लान कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन से अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। मेहनत से कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। विरोधियों को जवाब देने के लिए सही वक्त की आप प्रतीक्षा करें, आपके लिए सही रहेगा। साथ ही आपको बताएं, अकारण ही मन में उदासी महसूस हो सकती है। महिलाएं अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर सकती हैं। प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, सरकारी कामों में पैसा लगने के योग है। किसी तरह का चालान या प्लेंटी आप पर लग सकती है, आपको संभल कर रहना चाहिए। पारिवारिक स्तर पर खुशियों में बढ़ोतरी संभव है। इस दौरान मनोरंजन हेतु आप परिवार के साथ लंबी दूरी यात्रा पर भी जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में आपको गर्मजोशी मजा देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको बताएं, आपकी कार्य क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। वह आप एक साथ कई कामों को निपटा सकेंगे। नौकरी में आपको अपने सहयोगियों से तालमेल बिठाकर चलना होगा, तभी आप सक्षम हो पाएंगे। साथ ही आपको बताएं, बिजनेस में आपकी तरक्की होने के संकेत नजर आ रहे हैं। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए थोड़ा सावधान रहने का है। अपने खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही आपको बताएं, पारिवारिक वातावरण सौंदर्य से रहेगा। प्रेम संबंध सुदृढ़ होंगे। घर पर विश्राम करने के लिए आज अच्छा समय है। सभी प्रकार के टकराव की स्थितियों से बचें। कुछ घरेलू वस्तुओं की आज खरीदारी संभव है। साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपने आप को उत्साह से भरा हुआ पाएंगे और कुशलतापूर्वक अपने कार्य को संभालने में सक्षम होंगे। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आपके प्रयासों के माध्यम से धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। अपने व्यवसाय संबंधी पराक्रम का प्रयोग करके अपने करियर की प्रत्याशाओं को बेहतर बनाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं, परंतु किसी की भी परवाह ना करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है तथा मन को भी संयमित रखें, क्योंकि ईगो और घमंड की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। घर के बड़े सदस्यों के साथ भी आपको समय बिताना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, व्यवसाय में सभी गतिविधियों पर उचित निगरानी रखना भी जरूरी है, क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापरवाही की वजह से आज आपको भुगतान करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करेंगे, आपको तरक्की के अवसर बन रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, किसी विपरीत लिंग से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताज़ा होंगी और घर का माहौल भी सौंदर्यपूर्ण बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आज प्रेम संबंधों को लेकर कुछ नया माहौल आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपके कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। साथ ही आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। घर का वातावरण संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन आज सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों को मर्यादित बनाकर रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, साथ साथ व्यस्त समय के बावजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद के लिए निकालें। इससे सभी को प्रसन्नता मिलेगी और आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें तथा तनाव जैसी बातों से खुद को दूर रखें। साथ ही आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।